शहर की प्रतिष्ठित महिला चिकित्सकों द्वारा ऑप्स व गायनी सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीता शर्मा अध्यक्ष और डॉक्टर दीप शिखा गोयल सचिव बनाई गई हैं। अध्यक्ष डॉक्टर नीता शर्मा ने बताया कि इस सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। रेलवे रोड स्थित एक पैलेस में हुए सोसाइटी के गठन कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर नीता शर्मा ने बताया कि बालिका से लेकर गर्भवती महिला के बच्चे पैदा करने और महिला के माहवारी बंद होने के बाद तक के स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी द्वारा स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे, ओल्ड एज होम में जाकर उनके स्वास्थ्य का चेकअप करने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए गर्भाशय के मुंह का कैंसर के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सचिव डॉक्टर दीप शिखा गोयल ने बताया कि महिलाएं खुद के स्वास्थ्य का बचाव करना सीख जाएं तो दवाओं पर खर्च कम होगा, इसी मुहिम को लेकर सोसाइटी काम कर रही है। डॉक्टर दीप शिखा गोयल ने कहा कि एक लड़की जागरूक हुई तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर देगी। अमूमन घर में देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, यही कारण है कि कई बार उन्हें बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। महिलाएं संकोच करती हैं और अपनी बीमारियां नहीं बता पाती हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं। इन्हीं को देखते हुए लड़कियों और महिलाओं को सोसाइटी के पदाधिकारी जागरूक करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी है, हमने हापुड़ में बनाई है। ये हमारी नेशनल फॉक्सी से कनेक्टेड है, तो हम हापुड़ में इस तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसमें महिलाओं को शुरू से ही, जब वो बच्ची होती है कि उनमें कोई खून की कमी ना आए, जब वो बड़ी होती है उनको प्रेगनेंसी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, या जब उनके महीने चले जाते हैं, मीनोपॉज होता है, तो इस सब के बीच में जितनी बीमारियां हो सकती हैं लाइक खाने पीने में कमी, खून की कमी, कैंसर का होना या और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो हमें उनको कैसे रोकना है, इसके लिए हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। कई कैंप हम ऑलरेडी स्कूलों में लगा चुके हैं, जैसे हापुड़ के मेन स्कूल हैं, जो हापुड़ के आसपास के गांव में, वहाँ भी हमने कैंप लगाए हैं। वहाँ हम खून की जांच करते हैं कि कोई खून की कमी तो नहीं है, और उससे संबंधित लोगों में खून की कमी होती है तो उनको हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, उनको डीवर्मिंग करते हैं कि उनके पेट में कीड़े तो नहीं हैं। इसी तरीके से कैंसर है, बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, ये कैंसर ऐसा है कि जिसको हम रोक सकते हैं। अगर लड़कियों में हम छोटी उम्र में 9 से 11 साल या 26 साल की उम्र तक सर्वाइकल कैंसर रोकने का एक वैक्सीनेशन करते हैं, जिसके लिए आजकल 2 वैक्सीन लगाई जाती हैं, तो उससे कैंसर का बचाव हो सकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए आगे भी प्रयास किए जाते रहेंगे, हमें उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे स्कूल्स में कैंप लगाने के लिए टू डिटेक्शन एनीमिया, और अनाथालयों में जाकर बच्चियों का स्पेशली उनको गाइड करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और जितनी भी गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। नेशनल गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी है, जिसको हम फॉक्सी बोलते हैं, नेशनल लेवल की है, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में उसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। हापुड़ में भी इसकी ब्रांच खोली गई थी, नाम था हापुड़ ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी, जो कि फॉक्सी के अंडर में आती है, फॉक्सी नेशनल सोसाइटी है। जो फॉक्सी है उसमें नेशनल प्रोग्राम बनते हैं, नेशनल ट्रीटमेंट प्लान बनते हैं, यदि कोई भी डिजीज़ आ जाती है। बेसिकली ये लेडीज़ की बीमारियों से रिलेटेड है, स्त्री एंड प्रसूति रोग, और मेन मोटो इसमें होता है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट प्रिवेंट द मदर एंड चाइल्ड डेथ, माँ की और बच्चे की डेथ रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हर साल नई स्ट्रेटजी हमारी नेशनल सोसाइटी बनाती है, और वो हर सोसाइटी को फॉरवर्ड करती है, उसको हमें भी फॉलो करना होता है।